हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत रखा जाता है। इस दौरान साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं और यह व्रत बहुत ही सर्वोत्तम माना गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि यानी आज है। मंगलवार को पड़ने वाले प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत कहा जाता है। इस व्रत को करने से समस्त कष्टों का निवारण होता है। चलिए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और संपूर्ण पूजन सामग्री के बारे में। प्रदोष व्रत का पूजन प्रदोष काल मतलब सूर्यास्त के समय किया जाता है। पूजन विधि की बात करें तो सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। वही स्नान करने के बाद साफ स्वस्थ कपड़े पहन लें। फिर घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें और अगर संभव है तो व्रत करें। इसके बाद भगवान भोलेनाथ का गंगा जल से अभिषेक करें। फिर भगवान भोलेनाथ को पुष्प अर्पित करें। वही इस दौरान इस दिन भोलेनाथ के साथ ही माता पार्वती और भगवान गणेश की भी पूजा करें। यह तो सभी जानते हैं कि किसी भी शुभ कार्य से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। वही भगवान शिव को भोग लगाए। इस का ध्यान रखें, भगवान को सिर्फ सात्विक चीजों का भोग लगाया जाता है। उसके बाद भगवान शिव की आरती करें और इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।